अब हम लोग एक बार फिर से पैथोलॉजी और सर्जरी दोनों के ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक पैथोलॉजी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन है। अगर इसके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाए पैथोलॉजी में, तो सर्जरी पढ़ना आसान हो जाता है। काफी ओवरलैप्ड कॉन्सेप्ट है। चलते हैं, बात करते हैं। अभी हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात करना है, और इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, तो पहले हम फॉलिकुलर सेल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरी है, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएटेड के बारे में। डिफरेंशिएटेड में मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंशिएटेड में पैपिलरी होगा, फॉलिकुलर होगा और कुछ रेयर किस्म के होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड में एक अलग किस्म का होगा जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसके लिए हम एक नाम लेते हैं एनाप्लास्टिक चेंजेस। तो उसके साथ ये अनडिफरेंशिएटेड वाला इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फॉलिकुलर सी सेल को इन्वॉल्व करते हुए मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की बात पढ़ी जाती है। अभी हमारा टारगेट है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर के बारे में बात करने का। तो अभी हमारा टारगेट है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर के बारे में बात करने का। अभी हम बात करेंगे पैपिलरी कैंसर थायराइड के बारे में। तो पिछले लेक्चर में इन सारी चीजों पर डिस्कस हुआ था। मैंने आपको बता रखा था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्राइमरी मैलिग्नेंट होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के ओरिजिनल लेवल पर इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मैलिग्नेंट। वहीं से हम बात को शुरू करेंगे। पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, लिम्फोमा, इतने सारे टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मैलिग्नेंट में मेलानोमा, सीए ब्रेस्ट या रीनल सेल कार्सिनोमा के ट्यूमर मेटास्टेसिस करके लंग्स थायराइड को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना होता है। यहां पर कौन से जीन का एसोसिएशन होगा, तो PTC जीन का एसोसिएशन, RAS जीन का एसोसिएशन, P53 जीन का एसोसिएशन इन कैंसर के साथ होता है। और इसीलिए क्लिनिकल हिस्ट्री में या फिर जब कभी भी हम न्यूप्लेजिया के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहां पर इन जीन्स और इन कैंसर के एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ की इस बेसिक फैक्ट को हमें रिकॉल करके चलना है। जब तक चीजें हम मिक्स करके नहीं याद रखेंगे, तब तक मुश्किल होते रहेंगे। चलते हैं, सबसे पहले मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में हम बात करेंगे, पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की बात करेंगे। पैपिलरी कार्सिनोमा के बारे में जब कभी भी आपसे क्लिनिकल केस बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा यंगर एज में इसका प्रेजेंटेशन होता है। आपको बताया जाएगा 20-30 ईयर की एज की फीमेल की हिस्ट्री दी जाएगी, 20-30 ईयर की एज की हिस्ट्री दी जाएगी, और इसमें जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपके फाइंडिंग में होगा, उसमें खास पैपिलरी लाइक आपको यहाँ पर आउटग्रोथ के बारे में बताया जाएगा। तो या तो आपको ये स्लाइड दिखाया जाएगा, आप देखें पैपिला के जैसा ये आपको दर्शाया जा रहा है। आमतौर पर फॉलिकल किस शेप के होते हैं आपको पता है, आमतौर पर ये शेप इनका नहीं होता है, जबकि यहाँ पर देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दर्शाते हुए ये हमें फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो फॉलिकल के अपने सेल्स हैं उनके लेवल पर भी अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखिए बीच में खाली खाली सी जगहें यहाँ पर दर्शाई गई। तो हम कुछ लेवल पर इसको देखें, तो यहाँ पर देखिए ये खाली खाली से जगह यहाँ पर दर्शाया गया। ये खाली खाली सी जगह है क्या, ये इस तरीके का व्हाइटनेस, क्या इस तरीके की व्हाइटनेस क्यों है, क्या ये सब कुछ खाली है, क्या कुछ है नहीं, क्या यहाँ पर होता है, चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि ये कलर नहीं ले पाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये खाली खाली सा है। और ऐसा लगता है कि एक कैरेक्टर है जिसमें जिसके आईज में आप उसके आईज पूरी तरीके से व्हाइट कलर की नजर आती है, तो उस कैरेक्टर से मिलता जुलता इसके आंखों की सिमिलरिटी होने के नाते हम इसे ऑर्फन आई न्यूक्लियस के बारे में हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो कैसी फाइंडिंग है, क्या है चीजें, उन सारी चीजों को हम वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया क्लिनिकल जो हिस्ट्री दी जाएगी उसमें एक बात शामिल होगा कि यंगर एज की प्रेजेंटेशन दी जाएगी, दूसरी बात यह है कि इस तरीके का पैपिलरी लाइक आपको ओरिएंटेशन दिया जाएगा, सेल्स जो होंगे वो बीच में सेंट्रलाइज्ड आप देखेंगे, काफी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, खाली खाली से ऐसा नजर आएगा। और इसमें रिस्क फैक्टर के बारे में बता सकते हैं, यंगर एज की प्रेजेंस क्यों होती है, क्योंकि यंग एज में अगर रेडिएशन का एक्सपोजर रहा है तो ऐसे मामले ज्यादा तौर पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में ऐसी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो यंग एज का इंफॉर्मेशन दिया हो, दूसरी बात कहें रेडिएशन एक्सपोजर रहा हो, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर इसके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए यंग एज और रेडिएशन एक्सपोजर, इस तरीके के सेलुलर प्रोजेक्शन आपको फॉलिकल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पैपिला लाइक प्रोजेक्शन अगर आपको दिख रहा है, सेल्स बीच में अगर आप देखें खाली खाली से दिख रहे हैं, और इस कैरेक्टर के आईज की जैसे अगर उनका प्रेजेंटेशन अगर आप कोरिलेट करें, तो इसे ऑर्फन आई न्यूक्लियाई कहा जाता है। बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री अगर बनाना चाहेंगे तो वहां पर यह भी दे सकते हैं कि कौन सा साइटोजेनेटिक यहां पर एबनॉर्मेलिटी होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है सबसे कॉमन है RET, जो जीन्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड को लेकर के कई सारी चीजें क्वेश्चन पूछी गई, जैसे ऑल इंडिया में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को अगर आप याद कर लें तो सारी चीजें बेसिक पता चल जाएंगी। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी सीन इन पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड,
एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो पहला तो आप देख लें RET, मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक्सक्लूड जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे NTRK जीन्स के रीअरेंजमेंट। इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ BRAF, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर एक चीज नहीं पॉसिबल है, वो RAS का म्यूटेशन। एक्चुअल में अगले टॉपिक में जब हम जाएंगे तो वहां पर बात करेंगे फॉलिकुलर कार्सिनोमा की, वहां के लेवल पर ये हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर RAS जीन का जो म्यूटेशन है, तो एक्सक्लूड करने की वजह से हमें मिल गया। RET का RET जीन का एसोसिएशन पैपिलरी कार्सिनोमा से होता है, और RAS का जो है ये फॉलिकुलर कैंसर से होता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से होता है। ये चीज याद रखना है। एपिथेलियल फॉलिकल्स यहाँ पर किस रूप में नजर आए, आपको पैपिली की पैपिलरी शेप की नजर आए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ इनका देखने को मिला। ये स्लोली ग्रो करता है, एक बात ध्यान से समझिएगा, पैपिलरी कार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है, लेकिन स्लोली ग्रो करता है। यंगर एज का इसका प्रेजेंटेशन दर्शाएंगे, और यह बेस्ट प्रोग्नोसिस के साथ होता है। सबसे कॉमन मेलिग्नेंट न्यूप्लाइसिया की अगर बात की जाए थायराइड ग्लैंड के, तो यही होता है। इसका चूंकि स्लो ग्रोथ होता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, और यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब हम बात करते हैं किसी भी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, जब हम बात कर रहे थे कम्युनिटी मेडिसिन में, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, अब यहाँ पर समझ पाएंगे इस चीज को कि सबसे कॉमन मेलिग्नेंट न्यूप्लाइसिया क्यों है। इस चीज को अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन या PSM के फैक्ट्स को याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि अगर डेथ रेट कम है तो प्रिवेलेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डेथ रेट कम है तो जो भी केसेस हैं वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, और इसी वजह से ये बहुत कॉमन मैलिग्नेंट न्यूप्लेसिया है। अगर जल्दी से डेथ हो जाएगी, शॉर्ट लेवल पर ही हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं वो उतना कॉमन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो ही होगा तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाएगी, तो ऐसा तब वो कॉमनली आपको एनवायरनमेंट में देखने को कम ही चांस होते हैं, क्योंकि ये स्लोली ग्रो करता है, और मैलिग्नेंट न्यूप्लेसिया तो है लेकिन स्लोली ग्रो करता है, इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पेशेंट्स में देखने को हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जो क्लिनिकल हिस्ट्री बना करके देते हैं उसमें ये कहते हैं कि बेस्ट प्रोग्नोसिस कहाँ पर होगा, इसके अलावा ये एसोसिएशन किसके साथ होगा, तो एसोसिएशन हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के साथ होता है। तो कई बार क्लिनिकल हिस्ट्री को ओवरलैप करके दे सकते हैं। आप आगे जब हमारे साथ डिस्कस करेंगे हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के बारे में, तो वहां पर आप देखेंगे कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डेवलप होता है, और ये भी स्लोली स्लोली होता है। पेशेंट को कभी भी पेन नहीं होगा, या इन्फ्लेमेशन तो होगा, स्लोली स्लोली ग्रो करता जाएगा, ये मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होंगे, लेकिन पेन नहीं होगा। ऐसे एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस, जिसमें मैंने जब हम आगे डिस्कस करेंगे सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस के बारे में, तो उसमें पेन होता है, यहाँ पेन नहीं होता, स्लोली स्लोली ये होता रहता है, और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चलते रहेंगे, स्लोली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से सेल्स डैमेज होते रहेंगे, और वही आगे चल करके एनाप्लास्टिक चेंजेस के बाद, मतलब समझ रहे ना, जो न्यूप्लेजिया की जो स्टेजेस होते हैं कि सेल्स वहां डैमेज होंगे, सेल्स मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई होकर के वो किसके रूप में बदलते जाएंगे, वो दूसरे रूप में बदलते जाएंगे, और इसी वजह से उनका शेप फॉलिकुलर शेप का हो जाएगा, हालांकि ये ऑक्सीजन आयोडीन का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो सारी चीजें ओवरलैप्ड है। इसका एसोसिएशन किसके साथ देखा गया? हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन है थायरॉयडाइटिस का। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये ग्रो करता जाएगा, सेल्स मरेंगे, सेल्स डैमेज होंगे, सेल्स जो अगले बनेंगे वो उनमें वेरिएशन होगा शेप का, इसलिए पैपिलरी यहाँ पर फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। सेल थोड़े फंक्शनल होते हैं तो इसलिए आयोडीन का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर जो क्वेश्चन ग्रुप में क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशन इन चाइल्डहुड। इसी तरीके से थायरोग्लॉसल सिस्ट, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो उसका भी एसोसिएशन यहाँ पर हो सकता है। और एक और भी मैंने आपको बताया, क्लिनिकल हिस्ट्री बनाते समय हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के साथ इसको जोड़ सकते हैं। इसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जब कभी हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाती है, तो इसमें सेमोमा बॉडीज के बारे में बात करते हैं, और उसमें ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई के बारे में बात करते हैं, और मल्टीफोकल ट्यूमर की बात की जाती है। तो सेमोमा बॉडीज होते क्या है? सेमोमा बॉडीज न सिर्फ पैपिलरी कार्सिनोमा में पाया जाता है, बल्कि इस तरीके के प्रेजेंस बहुत सारे दूसरे मामलों में भी देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे पैपिलरी कार्सिनोमा में इस तरीके के सेमोमा बॉडीज की प्रेजेंस क्या दर्शाती है। तो इन जनरल जहां कहीं भी सेमोमा बॉडीज मिलते हैं, ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक कैल्सिफिक कलेक्शन के जोन को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक कैल्सिफिक जोन के कलेक्शन को दर्शाते हैं। ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं ना, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, उसका एक एग्जाम्पल है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो हम पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, नेक्रोटिक टिश्यू जो होती है, जो भी एक फोकस, जहां कहीं भी सेल्स की डेथ होती है वहां पर एक फोकस बन जाता है, जहां पर कैल्सिफाइड डिपोजिशन, कैल्सियम का डिपोजिशन होने लगता है, और इस तरीके से कंसेंट्रिक कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि इन्हें न सिर्फ
माइक्रोस्कोप पर बल्कि सीटी स्कैन पर भी देख पाना पॉसिबल हो जाता है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा इस तरीके के स्ट्रक्चर? हमें पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। इसी तरीके से पैपिलरी सीरस कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम में देखने को मिल सकता है, या मेनिनजियोमा में देखने को मिल सकता है, या सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी में देखने को मिल सकता है। कई सारी जगहों पर होता है जहां कहीं भी सेल्स डेड करती हैं और वहां पर एक फोकस तैयार होता है और उसके चारों ओर कैल्शियम का डिपोजिशन होने के नाते एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो पैपिलरी कार्सिनोमा में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जगहों पर इसकी प्रेजेंस होती है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? जो भी नेक्रोटिक या डिजनरेटेड टिश्यू होते हैं उनकी प्रोटीन्स, जो भी डीनेचर्ड प्रोटीन होती है, वो फॉस्फेट आयन के साथ बाइंड करने लगती है और उसके बाद उस फास्फेट आयन से कैल्शियम आयन आकर के जुड़ जाते हैं और इस तरीके से सेल्स डेड होने लगती हैं और उसके आसपास कैल्शियम फास्फेट का डिपोजिशन होने लगता है। इसके दो स्टेप्स हैं, स्टेप्स नहीं जानना है। बहुत सारे जगहों पर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो हम पहले चैप्टर में पैथोलॉजी के पढ़ते हैं उस चीज को यहाँ पर रिकॉल करते हुए सेमोमा बॉडीज ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं, अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में सेमोमा बॉडीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं या ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई। ऑल इंडिया में एग्जैक्टली यही लैंग्वेज पूछा गया है। कई बार ये होता है कि ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई न दे करके सीधे तौर पर उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स पूछे गए हैं। सेमोमा बॉडीज मैंने आपको बताया ना डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ये कहाँ कहाँ मिलता है इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मेनिनजियोमा में, पैपिलरी कार्सिनोमा आरसीसी में, इसके अलावा पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए आप जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको रटते चलेंगे। यहाँ पर मेनिनजियोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ रीनल सेल और पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरीज। इतने सारे एग्जांपल्स को याद रखना है और कोड बना करके याद करना, तो PSM का हम कोड बना सकते हैं। P में दो P हैं, एक SM और एक M, एटलीस्ट इतने एग्जांपल्स हमें याद करके चलने हैं। ये ऑल इंडिया और PGI में पूछे गए पॉइंट्स हैं। सेमोमा बॉडीज की फाइंडिंग कहाँ होती है इसको PGI में कई जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको लेकर के पूछा गया। अब चलते हैं, समझते हैं कैसे होते हैं ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई। और सेमोमा बॉडीज पर बात हो गई है तो अब हम ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमने आपको स्लाइड दिखाया था उसको आगे बढ़ते हुए समझना होगा। नॉर्मल फॉलिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। इसमें फंक्शनली जब ये होते हैं तो इस तरीके से ये इसके भीतर प्रॉपर कोलोइड्स होंगे, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे भीतर कोलोइड भरा हुआ है, पूरी तरह फंक्शनल है और ये सेल्स अभी नॉर्मल शेप में है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये इनमें नियोप्लास्टिक चेंजेस होते हैं तो ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनके शेप में एक वेरिएशन आता है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया पैपिला के जैसा इनका शेप हो जाता है। और जो फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं वो भी यहाँ पर बदलते हैं। ना सिर्फ सेल्स की नंबर बढ़ी बल्कि सेल्स के जो प्रॉपर शेप है उसमें भी परिवर्तन होता है। सेल्स तेजी से डिवाइड करते जाते हैं, इसलिए इनका जो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल आप देख रहे हैं ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, बिखर जाता है। जल्दी जल्दी ये डिवाइड करते हैं तो इनके न्यूक्लियर मटेरियल को प्रॉपर कंडेंस्ड होने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये डिस्पर्स बने रहते हैं, लगातार एक्टिवली ये काम करते रहते हैं। और इसके कारण सेंट्रल जोन जहां कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल होता है वो अब खाली खाली सा नजर आने लगता है और इसी वजह से ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दर्शाने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि एक ऑर्फन एनीआई मतलब एक कैरेक्टर है जिसके आंखों में आप समझ सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक पुतलियां नहीं होती हैं, तो उस तरीके से ये नज़र आने लगते हैं। तो इस तरीके का चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स लगातार डिवाइड करते जाते हैं और ये डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन की वजह से ऐसा होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि राउंड फॉलिकल ब्रांच्ड हो गया, ब्रांचिंग पैटर्न दर्शा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या देख रहे हैं, जो पैपिला में जो सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो स्यूडो व्हाइट एरिया दर्शा रही हैं। ये स्यूडो व्हाइट एरिया क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल के डिस्पोज्ड होने की वजह से हो गया है। तो यहाँ पर कोई डिपोजिशन या इंक्लूजन कोई बॉडी नहीं है, ये स्यूडो इंक्लूजन है, ये बात आपको समझना होगा। इसमें जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है वो झूठा व्हाइट एरिया है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ खाली नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल डिस्पर्स्ड हो गया, इसलिए ये ऑर्फन एनीआई, यानी जैसे हमारी आंखों में पुतलियां होती लेकिन इस कैरेक्टर के आंखों में पुतलियां नहीं होती, इसलिए ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस जैसा इसका अपीयरेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां जो भी डायग्नोसिस बनती है वो इस आधार पर बनती है कि न्यूक्लियर फाइंडिंग कैसी है, न्यूक्लियस कितना नॉर्मल जैसा है। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं उसमें वेरिएशन ज्यादा है। और आप सिर्फ पैपिलरी फॉर्मेशन के आधार पर डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, यहां पर आप जो भी डायग्नोसिस बनाते हैं वो ऑर्फन एनीआई
न्यूक्लियाई को देख करके बनाते हैं, क्योंकि पैपुलरी फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी हो सकता है। अगर आप डायग्नोसिस हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाने की प्रॉपर सही तरीके से अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ये पॉइंट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, आपको ध्यान से समझना होगा कि जो भी पैपुलरी कार्सिनोमा सेल्स की जो न्यूक्लियाई होती है उनमें इस तरीके का ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई क्यों रहा। बार बार मैंने आपको बताया कि फाइनली डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन है जो कि ऑप्टिकली क्लियर या एम्प्टी स्पेस जैसा अपीयरेंस दर्शाते हैं। ये ऑप्टिकली क्लियर एम्प्टी अपीयरेंस दर्शाते हैं न्यूक्लियाई के लेवल पर, और इसकी वजह से ग्राउंड ग्लास या ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलती है। ऑल इंडिया में ऑर्फन एनीआई ग्राउंड ग्लास, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एम्स में एक क्वेश्चन बनाया गया है इसी बात को आधार पर बनाते हुए कि यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। चूंकि हिस्टोलॉजी को लेकर के कई बार क्वेश्चन बनाया जाता है और काफी मुश्किल होता है आंसर देना, तो इसलिए मैंने इस पर फोकस किया। हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड को लेकर के कई बार क्वेश्चन बनाया या देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें था कि ब्रांचिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पैपिलरी विद फाइब्रोवैस्कुलर कोर। तो सेंटर में आपको फाइब्रोवैस्कुलर कोर आपको देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिली, पैपिला जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा आपको देखने को मिला, ये सारी चीजें आपने देखा। बी ऑप्शन में देखा गया था कि क्या यहाँ पर ऑर्फन एनीआई अपीयरेंस या इंट्रा न्यूक्लियर आपको ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। सेमोमा बॉडीज की क्या प्रेजेंस देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इसमें इन्वेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेशन क्या पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में होता है, तो ये पॉइंट नहीं मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एक्सेप्ट, तो ये चीज जो एंजियो इन्वेजन की जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर नहीं होती है। धीरे धीरे ये ग्रो करता है और इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, उसके लिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंजियो इन्वेजन की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। अब देखेंगे आगे पढ़ेंगे फॉलिकुलर कार्सिनोमा के बारे में, तो वहां पर आपको एंजियो इन्वेजन कैप्सुलर इन्वेजन की बात देखने को मिलेगी, तो वहां पर पुअर प्रोग्नोसिस होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्ट करके आगे बढ़ जाता है। खैर यहां पर जो भी स्प्रेड होगा, चूंकि एंजियो इन्वेजन नहीं है, ब्लड के रास्ते नहीं जाएगा, अगर ये स्प्रेड भी करेगा एंजियो इन्वेजन नहीं होता है, इसी बात को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। और यही इसकी प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है कि ये ब्लड के रास्ते स्प्रेड नहीं करेगा, तो ये लिम्फेटिक्स के द्वारा स्प्रेड करता है। और एम्स में इसी बात को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्फेटिक स्प्रेड मोस्ट कॉमनली सीन विद विच थायराइड कार्सिनोमा, तो आपको ऑप्शन दिया गया था पैपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो हमारा ऑप्शन होगा पैपिलरी कार्सिनोमा। इसमें हम करते क्या है, चूंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए पैपिलरी कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के लेवल पर अगर हम देखें तो अधिकतर मामलों में जहां कहीं भी मैलिग्नेंसी हमें देखने को मिलेगा वहां पर हम टोटल थायराइड को निकाल देंगे, टोटल थायराइड को निकाल देंगे। और चूंकि यहां पर अधिकतर मामलों में लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुका होता है, तो इसलिए हम रीजनल, यहां तो वैसे स्लाइड में लिखा हुआ विद आर विदाउट, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी रीजनल लिम्फ नोड्स जहां इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसको हम निकाल देते हैं। एक चीज ये भी देखी जाती है कि अगर कुछ बचा खुचा हो सकता है सर्जरी के समय, तो 4 to 6 वीक के बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी देते हैं। जहां कहीं भी एक्टिविटीज बची रहती है वहां पर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं आयोडीन 131 जो आइसोटोप होता है उसको हम देते हैं, 131 को दे करके उन सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको पता भी होगा, आयोडीन 131 वो क्या करता है, रेडिएशन जनरेट करता है, और चूंकि वहां सेलुलर एक्टिविटीज बढ़ी हुई होंगी सेल्स अपटेक कर लेंगे और उसके बाद ये रेडिएशन के मदद से बीटा पार्टिकल्स रिलीज करके उनको डैमेज कर देगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्लोली प्रोग्रेस करता है और कैप्सुलर इन्वेजन या वैस्कुलर इन्वेजन यहाँ पर बहुत कम होता है। वैस्कुलर इन्वेजन नहीं होगा तो इसलिए आगे मेटास्टेसिस कम ही होता है, और इसी वजह से 95% मामलों में 10 ईयर्स तक सर्वाइवल मिल जाता है। अगर हम बात करें कि प्रोग्नोसिस कब इसका गड़बड़ होने का चांस होता है, तो उस लेवल पर देखा गया है कि अगर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि ये मेटास्टेसिस कर सकता है। तो आपको देखना होगा लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हुआ है तो पक्के तौर पर हमें क्या करना है, रीजनल लिम्फ नोड को निकाल लेना है। इसके अलावा कुछ वेरिएशंस हैं जिसमें प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ओवरऑल आपको यही समझना है कि इसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, और कोशिश क्या करेंगे, पूरे थायराइड को हम निकालेंगे और रीजनल लिम्फ नोड्स को भी हम निकालेंगे। इतने हमें क्लियर कट पता होना चाहिए, और इसी फैक्ट्स को लेकर के एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हमें करना क्या है, टोटल थायरॉयडेक्टोमी करना है, और अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो हम रीजनल लिम्फ नोड को हम डिसेक्शन उसका करेंगे। हालांकि प्लस माइनस होता है, कुछ मामलों में अगर लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व है तो जबरदस्ती हमें करने की जरूरत नहीं है, विद और विदाउट इसलिए कहा जाता है, लेकिन अगर इन्वॉल्व है तो हम उसे निकालेंगे ही निकालेंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया था,
उसमें क्या था ऑप्शन, हमारी लैंग्वेज कैसी थी, उसमें था कि बेस्ट ट्रीटमेंट बताइए एक ऐसे 2 सेंटीमीटर थायराइड नोड्यूल के मामले में जो 50-year-old मैन को है। एफएनएससी पर हमें पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के बारे में पता चला है, तो एफएनएससी पर जो हमने डायग्नोसिस बनाया पैपिलरी कार्सिनोमा का बनाया, अब बताइए करेंगे क्या, क्या हम हेमी थायरॉयडेक्टोमी करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला है टोटल थायरॉयडेक्टोमी करेंगे। इसमें देखना होगा कि कोई नेक का डिसेक्शन वहां पर हमें करके देखना होगा, लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व नहीं, अगर है तो उसके लेवल पर भी हमें सर्जरी के ऑप्शन के बारे में बात करनी होगी। नियर टोटल जैसा यहां पर कुछ भी नहीं होता, टोटल थायरॉयडेक्टोमी करेंगे, यहां पर नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी विद रेडियोथेरेपी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम रेडियो आइसोटोप्स को बाद में देते हैं लेकिन ये रेडियोथेरेपी का हिस्सा नहीं है, ये हम देखते हैं कि अगर कोई बचा खुचा अगर कोई सेल्स होगा तो उसको डैमेज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो नियर टोटल जैसा यहाँ पर कोई भी टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा चौथा ऑप्शन देख लेते, क्या हेमी थायरॉयडेक्टोमी विद मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन करते, क्या ऐसा भी नहीं करते, हमें टोटल थायरॉयडेक्टोमी करना है और देखना है कि वहां पर अगर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है तो उसको हमें हटाने की कोशिश करनी है।